Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। चलिए देखते हैं। जॉर्ज नाम का आदमी जो एक बड़े से टावर का मैनेजर है और उसको हम अपनी जॉब की लास्ट शिफ्ट में अपने ही बॉस आर्थर के साथ ऑनलाइन चेस खेलते हुए देखते हैं, लेकिन उसे देर हो रही है इसीलिए वो गेम को बीच में छोड़कर बाहर आ जाता है और देखने लगता है कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, जिसके बाद वो अपने घर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट डे जब वो बाहर आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी स्लाइट से हो जाती है, जो उसे आए दिन तंग करता रहता है क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग जॉब करता है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन जॉर्ज उसे कुछ कहता नहीं और वहां से अपने ऑफिस आ जाता है, जहां पर उसका बॉस उसे एक इंडियन बंदे से मिलवाता है जो आज से एलिवेटर ऑपरेटर का काम करेगा, यानी कि सभी को ऊपर नीचे लेकर आया जाएगा। पर जॉर्ज को वो बंदा पसंद नहीं आता इसीलिए वो मना कर देता है, पर उसका बॉस उसे कहता है कि मैंने इसे पहले ही हाँ कर दिया है इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसे मजबूरन उसे रखना ही पड़ता है। जिसके बाद वो उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें सातों दिन यहाँ पर सर्विस देनी है क्योंकि ये टावर अमेरिका का सबसे बड़ा और महंगा टावर है, इसीलिए तुम्हें हर समय हमारे गेस्ट की देखभाल करनी है। और वो इंसान सारी चीजें समझ जाता है और अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद जोश ऊपर एक अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर चेस नाम का आदमी काफी टाइम से रह रहा है। उसने रेंट भी पे नहीं किया, हालांकि वो पहले इस जगह पे काम किया करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका सारा पैसा डूब गया और तब से वो यहीं पर पड़ा हुआ है। चेस उसे अपनी हालातों के बारे में बताता है कि कैसे वो अब रोड पर रहने के लिए मजबूर हो गया, उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो उसका अच्छा दोस्त है इसीलिए वो उसे कुछ दिन की मोहलत दे दे और इसके बाद वो इस फ्लैट को खुद ही खाली करके चला जाएगा। अब जोश अपनी दोस्ती के नाते मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। नीचे आ जाता है पर वहाँ उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। सामने एक ब्लैक कलर की कार से कुछ बंदे उन्हीं की ओर आ रहे हैं और उनके हाथ में बंदूकें भी हैं। ये देखकर जॉर्ज को लगता है कि शायद ये सभी उनके टावर को लूटने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो फौरन अंदर जाकर अलार्म बजा देता है और सभी को इन्फॉर्म भी कर देता है कि खतरा है, सब लोग चौकन्ना हो जाए। पर इसी बीच वो कंप्यूटर में देखता है कि उनके टावर के पीछे एक ट्रक खड़ी है जिसमें से कुछ लोग बाहर निकलकर आर्थर को उसमें जबरदस्ती बंद कर रहे हैं। अब ये देखकर फौरन पुलिस को कॉल करने को कहता है और खुद बाहर की ओर भागता है ताकि वो आर्थर को छुड़ा सके, लेकिन तब तक वो लोग ट्रक लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पर जोश भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो भागता रहता है जब तक वो ट्रक रुक नहीं जाता। लेकिन उसी दौरान उसके पीछे एक FBI एजेंट आ जाता और उसे देखकर मार कर गिरा देती है। उसके चक्कर में वो ट्रक भी पलट जाती है, जिसकी डिग्गी में हम आर्थर को बंधा हुआ देखते हैं। जोश चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इतने इज्जतदार इंसान को कहाँ लेकर जा रहे हो। वो FBI एजेंट आती है और वो लेडी उसे बताती है कि वो लोग FBI से हैं और उनका काम है जो लोग भी उनके देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं उन्हें वो जल्द से जल्द पकड़े। और एजेंट बताती है कि आर्थर शॉ ने अमेरिका के $200 मिलियन गायब कर दिए और कहाँ करें किसी को पता नहीं है, इसीलिए जब तक वो उन पैसों को लौटा नहीं देता, अपने ऊपर लगे फ्रॉड चार्जेस को हटा नहीं लेता, तब तक वो हमारे पास ही रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर जॉर्ज को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी उसके मालिक कर सकते हैं। खैर वो उनके पेंटहाउस पे जाता है और वहां पर सभी चीजों को बंद कर देता है, इंक्लूडिंग उनका डॉलर वाला स्विमिंग पूल। उसी दौरान हमें बताया जाता है कि लास्ट ईयर फोर्ब्स 400 लिस्ट में से 138 नंबर पर रहने वाले आर्थर शॉ को आज सुबह ही पकड़ लिया गया क्योंकि वो इस देश को छोड़कर भागने का प्लान बना रहे थे। वहीं जोश नीचे आकर अपने सारे एम्प्लॉय से आज के इंसिडेंट के बारे में बात करता है। वो सारे कहते हैं कि हमें हमारे पेंशन के पैसे दे दो, हम इस जॉब को छोड़ देंगे। लेकिन जॉश का कहना था कि उसके उनके पेंशन के सारे पैसे आर्थर के अकाउंट से लिंक है। कुछ साल पहले उसके कहने पर आर्थर ने उन्हें बताया था कि वो उन पैसों को डबल कर देगा, तभी एक बंदा कहता है कि FBI वाले तो कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में सिर्फ $500 ही बचे। जॉश कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग घबराओ मत। अब कुछ दिन बाद आर्थर को बेल मिल जाती है, पर अभी भी उसे हाउस अरेस्ट रहना होगा उसके $14 मिलियन पेंटहाउस में जो अब बैंक के अंडर आता है। और वहाँ खड़ी वो रेड फरारी भी, जिसकी कीमत और वैल्यू क्या है ये आपको कहानी के आगे पता चल जाएगी। उधर जॉर्ज जब अपने घर जा रहा होता है तो उसका पड़ोसी स्लाइड को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी क्योंकि उसने एक इंसान के घर में चोरी की। अब ये देखकर जोश हैरान रह जाता और बिना कुछ कहे वहां से अपने घर आ जाता है और सो जाता है। पर आधी रात को उसके पास चार्ल्स का कॉल आता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त लैंचेस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो फौरन वहां पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि लैंचेस्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश करी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे ऐसा करते एक पुलिस वाले ने देख लिया। और ये सुनकर जॉर्ज उसे मिलने के लिए जाता है, उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने इतने अच्छे दोस्त को क्यों छोड़कर जाने वाले थे। तब लैंचेस्टर बताता है कि उसने 3 महीने पहले अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आर्थर को दे दी क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो पैसों को डबल कर देगा, मतलब 25 दिन में पैसे डबल। वो बताता है कि उसे कुछ अच्छे शेयर के बारे में पता चल चुका था, पर अब मेरे सारे पैसे डूब गए।
मेरे पास मेरे घर का रेंट देने तक पैसे नहीं है। ये सुनकर जोश को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उसके पैसे लौटा कर रहेगा। मतलब आर्थर ने बहुत लोगों के पैसे खाए हैं और वो उसकी मदद करेगा। ये बोलकर वो सीधा आर्थर से मिलने के लिए पहुंचता है उसके पेंट हाउस में और वहां रखी उसकी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिसमें उसकी फरारी भी आती है। यहाँ वो उसे बार बार एक ही सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सभी के पैसे डुबा दिए, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुम्हारी वजह से एक इंसान खुद की जान देने वाला था। तो आर्थर कहता है कि मैंने उससे पहले मना किया था कि जरूरी नहीं है कि इन्वेस्ट किए हुए पैसे हमें प्रॉफिट दे, उसमें हमें लॉस भी हो सकता। उसका ऐसा जवाब सुनकर जोश का तो खून खौल जाता है, पर वो कुछ नहीं करता और इसीलिए उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से वापस आ जाता। पर लिफ्ट में उसे चेस मिलता है, जिसे जोश पूछता है कि तुम तो आर्थर के साथ पहले भी काम कर चुके हो, क्या तुम्हें पता था कि वो ये सब करने वाला है। तो चेस कहता है कि हाँ, मैंने उसे काफी बार लॉयर से बातचीत करते हुए देखा है, पर अब मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया, अपने काम से काम रखा। कहानी आगे बढ़ती है और बार में जोश से क्लियर मिलती है, वही FBI एजेंट जिसने आर्थर को पकड़ा था। ये बस एक इत्तेफाक होता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है और दोनों में खूब बातें होती है। क्लियर इतनी ज्यादा पी लेती है कि वो सब कुछ बकना शुरू कर देती है। जैसे कि उन्होंने आर्थर के सारे पैसे को रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी $20 मिलियन नहीं मिल रहे। ये सुनकर जॉर्ज को एक जबरदस्त आइडिया आता है, इसीलिए वो घर जाकर फौरन चार्ल्स को, चेस और जे को बुलाता है, वही इंडियन बंदा जिसको कुछ दिन पहले जॉब पर रखा गया। वो उन्हें अपना प्लान बताता है जो कि चोरी का था। जी हाँ, उसका कहना था कि FBI को अब सारे पैसे मिल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। अगर वो भी मिल गए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और उन्हें भी पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। इसीलिए हमें उन $20 मिलियन को किसी भी हाल में चुराना है। तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो पैसे उन्हें कैसे चुराने हैं, कहाँ मिलेंगे, या किसी बड़े W के नीचे होंगे या फिर किसी तहखाने में। सब सोच में पड़ जाते हैं कि तभी जॉर्ज की दिमाग की बत्ती जलती है और उसको याद आता है कि अपने पेंट हाउस में किचन साइड की दीवार पर बड़े जोरों शोरों से काम करवाया था, पर किसी को आज तक दिखाया नहीं कि वहां पर क्या बना है। शायद ये बचे हुए पैसे वहीं पर छुपाए गए हो। सभी को उसकी बात सही लगती है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि हम लोगों ने आज तक कोई भी चोरी नहीं की है, हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसने पहले भी चोरियां कर रखी हो, वो शातिर हो, ताकि वो हमें कुछ सिखा सके। फिर क्या था दोस्तों, जोश पुलिस स्टेशन जाकर अगले ही दिन स्लाइड की बेल करवा देता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन स्लाइड उन लोगों को देखकर उनके साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने आज तक एक टॉफी भी नहीं चुराई थी और वो तो सभी शक्ल से भी बेवकूफ लग रहे थे। लेकिन जोश उसे समझाता है कि तुम्हें इन्हें एक मौका देकर देखना चाहिए, ये तुम्हें निराश नहीं करेंगे। वो मान जाता है और उनसे कहता है कि जाकर तुम अभी इस मॉल में जो भी कुछ चुरा सकते हो चुरा कर लाओ, ये तुम्हारा टास्क है। वो सभी चले जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो उन सभी ने कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें चुराई थी और उनकी कॉस्ट मिलाकर होती है $25, यानी कि ₹650। अब वो उन्हें कुछ टिप्स देता है कि कैसे चोरी करनी है, जिसके लिए वो उन्हें कुछ दिन प्रैक्टिस भी देता है। इसके बाद जोश उन्हें टावर के कैमरा पोजीशन के बारे में बताता है और उन्हें कितनी बार सिक्योरिटी से होकर गुजरना है ये भी बताता है। इसी बीच गेट नॉक होता है, वहाँ क्लियर थी, जिसे देखकर सब छुप जाते हैं। जब जॉर्ज बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर ने उसके ऊपर उसकी फरारी के शीशे तोड़ने का केस करा है, पर हाँ, अगर वो आकर उसे माफ़ी मांग ले तो वो इस केस को वापस ले लेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो जाकर उसे माफ़ी मांग लेता है और वापस आ जाता है। पर जाते जाते वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैं सभी के पैसे उन्हें लौटा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर नेक्स्ट डे हम सभी बंदों को टावर के सामने वाली रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर वो लोग सारे साइट के सिक्योरिटी गार्ड को नोटिस करते हैं, उनकी सारी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब जोश उन्हें एक तिजोरी की दुकान पर लेकर जाता है तो स्लाइड से कहता है तुम्हें आज एक तिजोरी को खोलना है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि वो कोई शातिर चोर नहीं है, बल्कि एक मामूली सा ही चोर है। इस काम के लिए उसे किसी ऐसे बंदे की तलाश करनी चाहिए जिसने आज से पहले कई सारी तिजोरियों को खोला हो। जोश उस टावर में काम कर रही उसकी दोस्त फ्लोरिडा को अपने घर बुलाता है और उसे इस चोरी के बारे में बताता है। वो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसके अमाउंट को सुनती है तो तुरंत हाँ कर देती है। जिसके बाद जॉर्ज कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड एक सेफ लॉकर मैन थे, उन्होंने इस काम को तुम्हें जरूर सिखाया होगा। तो फ्लोरिडा कहती है मैंने इतना तो नहीं सीखा, लेकिन हाँ, मैं थोड़े टाइम में हर किसी सेफ को खोल सकती हूँ। वहीं अगले दिन जोश देखता है कि चार्ल्स टावर से बाहर निकल रहा है जब उसकी नौकरी जा चुकी है। वो उसके पास जाकर उसे ऐसा करने के लिए बहुत सुनाता है, तो चार्ल्स कहता है कि उसने जाकर आर्थर से माफी मांग ली है और उसने अब उसे मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। ये सुनकर जोश पूछता है कि फिर चोरी का क्या हुआ, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा, तुम सभी लोग बेवकूफ, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा, अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा करने का सोचा तो मैं सभी को पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर जोश के होश उड़ जाते हैं और उसके लिए एक नई मुसीबत अब तैयार हो चुकी थी। लेकिन एक और मुसीबत उसका और इंतजार कर रही थी। जब क्लियर आर्थर के पास जाती है तो वो देखती है कि आर्थर ने अभी भी जोश पर केस कर रखा है, जबकि उसने माफी मांग ली थी।
जब वो इस बारे में आर्थर से पूछती है तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो कहता है कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब देखते जाओ क्या क्या होता है। अब क्लेयर फौरन जोश को इस बारे में बता देती है, जिसे सुनकर जोश अपने लोगों से कहता है कि हमें कल ही इस चोरी को अंजाम देना होगा, क्योंकि आर्थर हमें जेल में डालने की प्लानिंग कर रहा है। वो सब तैयार हो जाते हैं और पूरे प्लान को तैयार करने में लग जाते हैं। वहीं अगले दिन जोश जे को एक काम देता है कि वो जाकर वो शाशा जो कि चार्ल्स की वाइफ है उसका फोन चोरी करके लाए, क्योंकि वो आज के दिन अपने अंकल के घर जा रही है और वो प्रेग्नेंट भी है। जे इस काम को सही से अंजाम देता है और फोन को चुरा लेता है, जिसके बाद हम जोश और उसके साथियों को टावर के सामने वाले बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक स्लाइड सूट पहनकर टावर के अंदर जा रहा है। ये देखकर जोश चौंक जाता है क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अब यहाँ उन्हें डाउट होने लगता है कि कहीं वो अकेले चोरी को अंजाम तो नहीं देने वाला, क्योंकि कल वो फ्लोरिडा के साथ पूरी रात तिजोरी के प्रोसेस को देख रहा था, उसने अब उसे सीख लिया है। पर जोश कहता है कि हमें अपने प्लान के मुताबिक ही सब काम करना चाहिए। जिसके बाद जे सबसे पहले तो चार्ल्स को शाशा के फोन से मैसेज करता कि उसकी किसी भी समय डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए वो फौरन उसके पास आ जाए। जब ये मैसेज चार्ल्स देखता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की ओर भागता है। या इनके लिए अब रास्ता साफ था। उधर हम टावर में फ्लोरिडा को देखते हैं, जो कि स्टाफ मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है ताकि सभी का ध्यान भटक सके, और उसी का फायदा उठाकर ये लोग टावर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तब तक स्लाइड बॉस के पास पहुंच चुका था और वो उसे खुद की पहचान का रियल इस्टेट बिजनेसमैन बताता है और कहता है कि उसे एक रूम देखना है इस टावर में। बॉस भी उसे लेकर ऊपर आ जाता है और उस रूम को दिखाना शुरू करता है, लेकिन स्लाइड बड़ी चालाकी से उसे उस रूम में बंद कर देता है और फौरन ऊपर पेंट हाउस की ओर बढ़ता है। उधर ये तीनों भी ऊपर ही जा रहे थे, स्लाइड से पहले ही पहुंच जाते हैं। इनका सबसे पहले काम था कि वो जल्द से जल्द सारे कैमराज के ऊपर स्टीकर लगा दे ताकि किसी की नजरों में ना आ सके, जिसके बाद वो लोग इस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं जिसमें असल में वो तिजोरी मौजूद थी। बड़ी ही मुशक्कत के बाद वो लोग उसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर स्लाइड आ जाता है और उन्हें बंदूक दिखाते हुए कहता है कि ये तिजोरी मुझे दे दो। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं, जो कोर्ट पहुंच चुका था क्योंकि जोश ने उसके ऊपर झूठा केस कर दिया, इसीलिए उसे हियरिंग के लिए जाना पड़ा। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज तो नेशनल हॉलीडे है, आज जज नहीं आएंगे। ये सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है कि अगर आज छुट्टी है तो आज के दिन जोश ने उसे कोर्ट आने को क्यों कहा। तब क्लियर कहती है कि शायद वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमें फौरन पेंट हाउस जाना चाहिए। वहीं पेंट हाउस में स्लाइड के पीछे फ्लोरिडा बंदूक लेकर खड़ी हो जाती, जिसे मजबूरन उसे अपनी बंदूक फेंकनी पड़ती है। अब इसके बाद उस तिजोरी को खोलना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो खुलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में एक भी पैसे उस तिजोरी में मौजूद नहीं थे, वो पूरी तरह से खाली थी। जिसे देखकर स्लाइड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, मतलब सारी मेहनत बेकार। और इसी चक्कर में एक गोली जाकर आर्थर की फरारी पर लगती है, जिससे कि उसका पेंट निकल जाता है। जब पेंट निकलता है तो कुछ ऐसा दिखता है जो इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा तक नहीं होगा। वो फरारी असल में पूरी गोल्ड की थी और उस गोल्ड को छुपाने के लिए रेड कलर की कोटिंग की गई थी। सभी हैरान हो जाते हैं। जोश बताता है कि ये तकरीबन 45 मिलियन डॉलर से कम की नहीं होगी, और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें किसी तरह से इस कार को यहाँ से निकालना है। लेकिन ये कोई हलवे का काम तो है नहीं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले चेस के रूम तक इसे ले जाना होगा। और इसीलिए जे ऊपर जाकर खिड़की साफ करने वाले झूले को नीचे लाता है और फिर ये लोग उसी रस्सी को कार में बांध देते हैं और धीरे धीरे करके नीचे लाने लगते हैं। पर चेस कार को पकड़ नहीं पाता, उल्टा वो खुद ही बाहर लटक जाता है। पर तभी वहां पर चार्ल्स आ जाता है, उसकी जान बचाता है और वो सभी से बात करता है। उन्हें बताता है कि क्लियर और आर्थर किसी भी समय यहां तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए जे और चार्ल्स दोनों ही कार में रस्सी बांधने में लग जाते हैं और फाइनली उसे चेस के अपार्टमेंट तक ले आते हैं। वहां जोश चार्ल्स को बताता है कि इसकी कीमत 45 मिलियन डॉलर, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब इन्हें कैसे भी करके इसे लिफ्ट में डालना होगा, जिसमें जे इनका साथ देगा। वो लिफ्ट को रोक देता है और फिर ये सारे उसे धक्का मारते हुए उसके पास लाते हैं और लिफ्ट के नीचे आने लगते हैं। लेकिन इतने में आर्थर वहां पहुंच जाता है और लिफ्ट को ऑन करके ऊपर की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से वो कार वहीं फंस जाती है और लिफ्ट भी बंद हो जाती है, जिसे वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ऊपर की ओर जाते हैं। वहां जाकर क्लियर देखती है कि तिजोरी तो टूटी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा घबराया हुआ आर्थर होता है, क्योंकि उसकी कार गायब थी, जिसके अंदर उसके सारे काले चिट्ठी की रिपोर्ट पड़ी थी। वो उन्हें फौरन कार को ढूंढने को कहता है। इतने में जॉश लैंचेस्टर से कहता है कि तुम बाहर खड़ी ट्रक को लेकर जाओ। वो ऐसा ही करता है, जिसे देखकर सारे FBI वाले उसके पीछे करने लगते हैं। लेकिन जब वो ट्रक को खोलते हैं तो उसमें कार मौजूद ही नहीं थी, यानी कि जोश ने बस उन्हें बेवकूफ बनाया, बस और कुछ नहीं। वहीं FBI वाले फिर भी कैमरास की मदद से सभी को पकड़ लेते और उन्हें वैन में भर देते हैं, जहां पर आर्थर भी होता है, जो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरी कार लौटा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जोश को उसकी असली कीमत पता थी और उसके अंदर क्या है ये भी, इसीलिए वो कहता है कि जो उसके अंदर है अगर मैंने उसे पुलिस को दे दिया तो तुम जानते हो क्या होगा।
ये सुनकर आर्थर हक्का बक्का हो जाता है और फिर हम जेल का सीन देखते हैं, जहां पर जोश की वकील आकर कहती है हम वो रिपोर्ट आपको सौंप देंगे पर उसके बदले में सभी को छोड़ दो, लेकिन ऑफिसर की कार की चोरी में किसी को पकड़ना ही होगा, इसीलिए जोश कहता है कि ठीक है तुम मुझे पकड़ लो। जिसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी उसी पेंट हाउस के पूल के पास खड़े थे, और जब उसका कवर हटता है तो हम उसमें उसी गोल्डन फरारी को देखते हैं जो कि उन्होंने उस दिन चोरी के टाइम यहीं पर छुपा दी थी। मतलब दोस्तों फरारी नीचे गई नहीं, अब सभी बहुत खुश थे, चार्ल्स को एक बेटा होता है, वहीं जोश अपना वादा पूरा करता है और वो पैसे ना भेजकर उस गोल्डन फरारी के कुछ पार्ट्स उन सभी लोगों के घर भेज देता है जिनके पेंशन के पैसे आर्थर खा गया था, जिसे पाकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ महीने के बाद जोश को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये चोरी की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।